हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके इस चैनल में। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक CSEVLE हो, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हो, तो CSE में एक न्यू गवर्नमेंट सर्विस को लाइव किया है जिसके माध्यम से आप किसी भी स्टेट को सभी लोगों को यह कार्ड बना सकते हैं जिसमें आप लोग को 20 से 30 रुपये कमीशन मिलेगा। तो इस वीडियो में आप लोग कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं कि वैसा कौन सी सर्विस है एंड किस प्रकार से आप लोग को कार्ड बनाना एंड कमीशन किस प्रकार से आप लोग को दिया जाएगा। सारी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में देने जा रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आप लोग को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली आएंगे एंड यहाँ पर से आप लोग आभा कार्ड लिखकर सर्च कर देंगे एंड उसके बाद आभा नंबर लिखकर आप जैसे ही सर्च करेंगे देन आप लोग को इस पोर्टल पे आ जाएंगे। लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के तरफ से यानी कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तरफ से यहाँ पर इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस वेबसाइट को लॉन्च करने का मकसद क्या है, इससे लोगों को क्या बेनिफिट मिलने जा रहा है। तो आप सभी को पता होगा कि आयुष्मान भारत में 5 लाख तक का जो भी होता है वो इलाज के लिए गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। उसी को लेकर यहाँ पर एक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च किया है जिसके माध्यम से लोगों को आप हेल्थ रिकॉर्ड को एक डिजिटल तरह से आप सेव कर सकते हैं। यानी कि आप सभी को बता दें कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तरफ से जो भी ABHA कार्ड बनाया जाएगा वो बेसिकली सभी लोगों को एक प्रकार से हेल्थ का रिकॉर्ड होगा जो कि एक डिजिटल कार्ड के माध्यम से होगा। जैसे कि आप सभी को बता दें कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना इलाज करवाते हैं तो उसका क्या होता है, फिजिकल डॉक्यूमेंट में उसका रिपोर्ट दिया जाता है एंड बाद में उसे क्या है कि कैरी करके नहीं रख पाते एंड उसे खो जाता है। और बहुत से ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर से हेल्थ रिपोर्ट को देने होते हैं, जैसे कि कोई भी ऑफिस हो या फिर कहीं भी ऐसा जगह जहाँ पर से देने के लिए होता है हेल्थ रिपोर्ट। वैसे में यहाँ पर बता दें कि आयुष्मान भारत तरफ से एक न्यू वेबसाइट को लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से लोगों को आप हेल्थ रिकॉर्ड बिल्कुल ही डिजिटल तरह से रहेगा, यानी कि उनका जो भी हेल्थ का रिकॉर्ड होगा वो बेसिकली डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा यानी कि सेव रहेगा एक कार्ड के माध्यम से, और उसे कोई भी व्यक्ति कहीं भी आप यूज कर पाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी अपना इलाज करवाते हैं वहाँ पर उसे अपना आधार कार्ड देना कंपलसरी, तभी क्या होता है कि उसका जो भी उसका हेल्थ का रिपोर्ट होता है उस कार्ड में सेव किया जाता है यानी कि उस आधार नंबर, और बाद में उस व्यक्ति को आप यहाँ पर से आभा कार्ड बना के उनका हेल्थ रिकॉर्ड आप दे सकते हो और बाद में वो व्यक्ति कहीं भी आप यूज कर पाएंगे। तो इसे क्या है कि आप अपने कस्टमर को बोल सकते हैं, बहुत सारे लोगों को पता होता है जिसे आप अपने से बोल के आप इस कार्ड को बना सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आप इंस्टेंट सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही किस प्रकार से आप आभा कार्ड किसी भी व्यक्ति को आप बना सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग को करना क्या पड़ेगा, इसके लिए सिंपली से इसी वेबसाइट पे आ जाना है एंड इस वेबसाइट में आने के बाद क्रिएट आभा नंबर के ऑप्शन में क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर 2 ऑप्शन से आप लोगों को आप कार्ड बना सकते हैं। सबसे पहले आधार कार्ड और साथ में ड्राइविंग लाइसेंस, तो यूजिंग आधार के ऑप्शन में क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर से नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जिस भी व्यक्ति को आप यहाँ पर से बना रहे हैं उनका आप यहाँ पर से आधार नंबर को फिल करेंगे, आई एग्री के ऑप्शन में क्लिक करेंगे और साथ में आई एम नॉट रोबोट के ऑप्शन में क्लिक करके आप नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर से नेक्स्ट के ऑप्शन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद जो भी आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक होगा उसमें OTP सेंड कर दिया गया होगा, उस OTP को आप यहाँ पर से एंटर करेंगे देन नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर से नेक्स्ट के ऑप्शन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप सक्सेसफुली यहाँ पर से आप लॉगिन हो पाएंगे एंड साथ में यहाँ पर से आप लोग देख सकते हैं जो भी आभा कार्ड होगा यानी कि ABHA कार्ड होगा वो आप लोग को यहाँ पर से देखने को मिल जाएगा, जो कि नेम और साथ में डेट ऑफ बर्थ ये जितने भी डिटेल होते हैं ऑटोमेटिक आधार के माध्यम से फेच किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर से जैसे ही फेच किया जाता है हो सकता है आप लोग क्रिएट के समय जो कि आपसे आभा एड्रेस पूछा जाएगा। आभा एड्रेस आप लोग को बता दें कि एक प्रकार से UPI जैसे ही सेट करते हैं सेम उसी प्रकार से आभा नंबर भी सेट करना होता है। यहाँ पर से KYC वेरीफिकेशन में आ जाना है, यहाँ पर से कस्टमर का आधार नंबर फिल करेंगे या फिर मोबाइल नंबर फिल करेंगे, उसके बाद उसमें OTP सेंड कर दिया जाएगा। OTP इंटर करके आप यहां पर से कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहां पर से आप लोगों को KYC भी कर लेना कंपलसरी। इसी प्रकार से आप यहां पर से KYC कर लेते हैं एंड उसी प्रकार से आप लोग अगर किसी भी प्रकार से कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर मिस्टेक हुआ हो तो एडिट डिटेल के ऑप्शन में आके आप यहाँ पर से अदर फोटो अपलोड कर सकते हैं एंड यहाँ पर से नाम डेट ऑफ बर्थ ये सारी चीज़ें को आप यहाँ पर से बिल्कुल ही आसान तरीके से अपडेट
कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से क्या है कि आप लोगों के लिए आभा कार्ड बना सकते हैं एंड यहाँ पर से पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं, यानी कि कभी भी आभा कार्ड डाउनलोड हो तो उसका आप पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप सभी को बता दें कि अगर आप लॉगआउट हो जाते हैं एंड अगर आप लोग को आभा नंबर पता नहीं है तो आप फाइंड कर सकते हैं, जिसके लिए लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। एंड लॉगिन के ऑप्शन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर से मोबाइल सेलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पर से जो भी मोबाइल नंबर और आई एम नॉट रोबोट के ऑप्शन में क्लिक करके नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर से आप जैसे ही नेक्स्ट के ऑप्शन यानी कि कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, ओटीपी इंटर करेंगे, कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो जो भी नेम और साथ में यहाँ पर से आभा एड्रेस और साथ में आप लोग को यहाँ पर से आभा नंबर भी मिल जाता है, जिसे आप क्या है कि आप डाउनलोड कर सकते हैं आभा कार्ड और साथ में आप यहाँ पर से लॉगिन भी कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से क्या है कि आप यहाँ पर से आभा नंबर और साथ में आभा एड्रेस को आप फाइंड कर सकते हैं एंड बाद में आने के बाद आप यहाँ पर से क्या है कि आप लॉगिन करके आप आभा कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग को डाउनलोड करने के लिए बेसिकली करना क्या पड़ेगा, फिर से आ जाना है एंड यहाँ पर से आने के बाद लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, आभा नंबर इंटर करेंगे, डेट ईयर सेलेक्ट करेंगे, आई एम नॉट रॉबर्ट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर से क्या कि लॉगिन करके आप आभा कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से सीएससी के माध्यम से आप बिल्कुल ही फ्री में आप आभा कार्ड लोगों को बना सकते हैं, उनके बेनिफिट के बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। बात आती है कि इसमें आप लोगों को कमीशन कितना दिया जाएगा, तो यहाँ पर आपने देखा कि सीएससी के माध्यम से बेसिकली इस सर्विस को अभी एक्टिवेट नहीं किया गया है, जिसे एक्टिवेट किया जाएगा तो आप लोग को यहाँ पर से आयुष्मान भारत में जिस प्रकार से कमीशन दिया जाता है सेम उसी प्रकार से आप लोगों को कमीशन दिया जाएगा, लेकिन आप यहां पर से लोगों से चार्ज कर सकते हैं जो कि 20 से 30 रुपये। तो आई होप अगर जानकारी चलेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।